एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओके क्रेडिट ऐप क्या है और ओके क्रेडिट ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। ओके क्रेडिट ऐप की एक अच्छाई है कि आप इसमें जितने भी लोगों को उधार देते हैं, आपकी कोई शॉप है या फिर आप लोगों को उधार देते हैं, तो आप ओके क्रेडिट में वो सभी पैसा लिख सकते हैं। अब आपको पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी डायरी या कॉपी में किसी का भी उधार खाता लिखने की जरूरत नहीं है। आप ओके क्रेडिट ऐप के द्वारा अपना उधार खाता लिख सकते हैं। अगर आप डायरी में अपना उधार खाता लिखते हैं तो उस केस में होता क्या है, कभी कभी आपकी डायरी खो जाती है या फिर पानी गिरने से डायरी बेकार हो जाती है, जो उसमें लिखा हुआ होता है वो आपको देखना या पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओके क्रेडिट का फायदा ये है, आप अगर एक बार ओके क्रेडिट ऐप में अपनी आईडी बना लेंगे, केवल आपको वो आईडी याद रखनी है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर गलती से मोबाइल आपका फॉर्मेट हो जाता है, तो आप दोबारा ओके क्रेडिट ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद और वही आईडी डालने के बाद जो भी आपने पहले उधार खाता लिखा है वो सभी आप उसके बाद ओके क्रेडिट में देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए। ओके क्रेडिट ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है ओके क्रेडिट। जैसे ही आप यहाँ पर ओके क्रेडिट सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको सिंपल यहाँ पर इसे ओपन करना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद ओके क्रेडिट ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर अपनी भाषा सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हिंदी, मराठी। अगर आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें अदर लैंग्वेज मिल जाती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी, गुजराती। यहाँ पर आपको इंडियन इसमें सभी भाषा मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसमें जो ऑलरेडी डिफॉल्ट भाषा इंग्लिश सिलेक्ट है वो मैं रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल लिया है और अब हम यहाँ पर ओके पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, और अगर आपके मोबाइल में सिम है तो ऑटोमेटिकली ये उस ओटीपी को ले लेगा। जैसे यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली हमारा ओटीपी ले लिया है, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर ये वीडियो चल जाएगी। इस वीडियो में भी आपको यही बताया जाएगा आप क्रेडिट को कैसे यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपना शुरुआत में एक बिजनेस नेम ऐड करना होता है। आपको यहाँ पर सेटअप प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपको यहाँ पर उसके बाद ओके करना है। और अब यहाँ पर आप कोई एक फोटो ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं और उसके बाद नीचे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप कैमरे से तुरंत फोटो खींचने के बाद भी अपलोड कर सकते हैं, आप गैलरी से भी कोई एक इमेज ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ओके क्रेडिट ऐप को गैलरी की परमिशन दे देनी है, तो मैं यहाँ पर इसे अलाउ कर देता हूँ। अब आपके मोबाइल गैलरी में जितने भी फोटो हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला फोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ पर अपने फोटो को क्रॉप कर लेना है। आप अपने फोटो को कितने साइज में लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अभी इतना फोटो का साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर रोटेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अपनी दुकान का नाम टेक्निकल दिलसाद लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर यस के निशान पर एक बार क्लिक कर देना है। तो हमारी दुकान का नाम अब टेक्निकल दिलसाद हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करके अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, अपने बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका क्या बिजनेस है, अपनी यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट पर्सन नेम डाल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपका नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है और अपनी दुकान का नाम भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या होता है, आपको जिसका भी उधार खाता लिखना हो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड कस्टमर। तो हम यहाँ पर अपने एक कस्टमर को ऐड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो नंबर मैं ऐड करने वाला हूँ वो कोई कस्टमर नहीं है, मैं खुद हूँ। मैं अपने दूसरे मोबाइल का नंबर यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगा जिस तरह आप अपने कस्टमर का नंबर ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर पहले कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखते हैं दिलसाद। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना है, तो अब हम यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर भी लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर एक कस्टमर ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर बैक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर फिलहाल एक कस्टमर ऐड है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक कस्टमर आ चुका है। आपके जितने भी कस्टमर होंगे वो सब कस्टमर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप यहाँ पर इस तरह ऐड कस्टमर पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कस्टमर ऐड कर सकते हैं। आप जितने चाहे उतने कस्टमर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कस्टमर ऐड करने के बाद, अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोई दिलसाद है, यहाँ पर अगर ये मेरे से 100 रुपए उधार देता है तो मैं क्या करूंगा,
करूंगा, यहाँ पर ओके क्रेडिट में जाऊंगा और यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्ट पेमेंट या फिर ड्यू पेमेंट। अगर आपसे इसने 100 रुपए उधार लिए हैं तो आपको यहाँ पर ड्यू क्रेडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट सिलेक्ट करनी है, कितने पैसे इसने उधार लिए हैं। तो मैं यहाँ पर 100 रुपए कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 रुपए हमने कर दिया है। और उसके बाद आप यहाँ पर कोई फोटो भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी शॉप से जो भी सामान इसने परचेज किया है तो यहाँ से कैमरे के बटन पर क्लिक करके आप उस सामान का फोटो लेने के बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर यस के निशान पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर उसके अकाउंट में 100 रुपए ऐड करेंगे तो उस व्यक्ति के पास आपकी तरफ से मैसेज चला जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 100 रुपए ऐड कर दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति हमें 100 रुपए वापस दे देता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 100 रुपए नोट करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने 100 रुपए नोट कर लिया है। उसके बाद आपको यस के निशान पर क्लिक करना है और अब आप यहाँ पर अगर बैक करोगे तो यहाँ पर हमारा बैलेंस 0 हो चुका है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने हमें पैसे वापस दे दिए हैं। इस तरह आप ओके क्रेडिट ऐप का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।